दोस्तों, बैंगन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम की एक अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से यह हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक हो जाता है। इसका सही इस्तेमाल करने से बोन हेल्थ, हड्डियों को मजबूती मिलती है, आंखों की रोशनी के लिए भी यह फायदेमंद होता है। लेकिन इसका नुकसान भी होते हैं, यह किसे खानी चाहिए, किसे नहीं खानी चाहिए, आज इस विषय पे बात करते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरी तरह देखें। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयबाला जी आयुर्वेद पलामू झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं। हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करना भी ना भूलें। दोस्तों, बैंगन जिन्हें एलर्जी की समस्याएं होती है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी की समस्याएं जैसे किसी किसी को बैंगन खाने से सूजन, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब, पाचन संबंधित शिकायतें या गैस की समस्याएं, सांस फूलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, स्किन पर भी लाल लाल दाने निकल जाते हैं, बाल भी गिरने लगते हैं, आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। अगर ऐसी स्थितियां बन रही है बैंगन खाने से, तो आप इसका इस्तेमाल भूल करके भी ना करें। इसका इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार चिकित्सक से मिले। दोस्तों, जिनका बवासीर की समस्याएं हैं, उन्हें भी बैंगन का सेवन भूल करके नहीं करनी चाहिए। अगर वो बैंगन का सेवन करते हैं तो उनकी बवासीर की समस्याएं बढ़ सकती है, तकलीफें बढ़ सकती है, उनका हाजमा खराब हो जाता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। नंबर तीन, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, कब्ज, गैस की स्थितियां बनती है, अपच, उल्टी की समस्याएं बनती है, यहाँ तक कि जिन्हें दस्त होता है, उन्हें भी इसका इस्तेमाल भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से उनकी परेशानियां और तकलीफें बढ़ जाती है। दोस्तों, जिन्हें आंखों से आंसू आते हैं, आंखें लाल हो जाते हैं, उनका भी इस्तेमाल बैंगन नहीं करनी चाहिए। अगर वो बैंगन का इस्तेमाल करते हैं तो आंखों से आंसू आना, आंखों से लाल मा जैसी स्थितियां दिखने लगती हैं, आंख गलने जैसे महसूस होते हैं। ये तकलीफें होने पर आप तुरंत चिकित्सक से मिलें और बैंगन खाने की सलाह लें। वो अगर बैंगन खाने की सलाह नहीं देते हैं तो भूल करके भी बैंगन नहीं खाएं। अगर किडनी स्टोन की समस्याएं हैं या किडनी की कोई बीमारियां हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो उनका भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनकी किडनी की पथरी बढ़ सकती है, उनका किडनी की बीमारियां बढ़ सकती है, ऐसे में उनकी दर्द की तकलीफें भी हो सकती है। उनका भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार चिकित्सक से मिलना चाहिए। वो बैंगन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बैंगन खाने से जिन्हें पेट दर्द की समस्याएं होती है, वो भी बैंगन बिल्कुल भी ना खाएं। कभी कभी किसी किसी को बैंगन खाने से पेट दर्द की शिकायतें होने लगती है, पेट दर्द के साथ सीने में जलन और चुभन जैसी स्थितियां बन जाती है, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसमें कैल्शियम की एक अच्छी मात्रा होती है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा जरूरत से ज्यादा बॉडी में बढ़ने पर किडनी दर्द के साथ साथ, किडनी की बीमारियों के साथ साथ हार्ट बर्न की स्थितियां भी आने लगती है, हृदय रोग भी आने लगते हैं। तो जिन्हें हृदय रोग की समस्याएं हैं, किडनी की समस्याएं हैं, उनका बैंगन भूल करके भी नहीं खानी चाहिए। जिन्हें बॉडी में हेमोग्लोबिन का स्तर कम होता है, खून की कमी होती है, थकान जैसी स्थितियां बनती है, उन्हें भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। होता इस तरह से है कि बैंगन में कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हेमोग्लोबिन के स्तर को डाउन कर देते हैं, त्वचा के सेल्स से, त्वचा की कोशिकाओं से आयरन को सोख लेते हैं, समाप्त कर देते हैं और खुजली, एक्जिमा जैसे बीमारियों को वो शुरुआत कर देते हैं। इस स्थिति में बैंगन नहीं खानी चाहिए, अनचाहे उनके कम होने लगते हैं, खून की कमी का स्तर और डाउन होने लगता है, स्थितियां खराब होने लगती है। अगर जिन्हें हेमोग्लोबिन का स्तर डाउन रहता है, रेड ब्लड सेल की कोशिकाएं भी डाउन रहती है, उन्हें भी बैंगन भूल करके भी नहीं खानी चाहिए। जोड़ों के दर्द की तकलीफें झेल रहे हैं, जोड़ों जोड़ों पे दर्द हो जाते हैं, सूजन बढ़ जाते हैं, उन्हें भी इसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अन्यथा उनके ज्वाइंट पेन पर सूजन और तकलीफें बढ़ जाएगी, जलन जैसी स्थितियां बन जाती है, दर्द की परेशानियां और बढ़ने लगती है। दोस्तों, जिन्हें दमा, टीबी की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, उन्हें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार चिकित्सक से मिलना चाहिए। अगर जिन्हें एड़ियों के दर्द होते हैं, एड़ियां फटने लगती है या घुटनों के नीचे जख्म बन जाते हैं, जख्म की बीमारियां हैं, उन्हें भी इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जख्म में ये और तकलीफों को बढ़ा देते हैं, जख्म को बढ़ाने लगते हैं। त्वचा पर लाल लाल और काले काले अगर धब्बे हैं, उन्हें भी इसका इस्तेमाल भूल करके भी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों त्वचा की किसी भी तकलीफें अगर जिन्हें है बैंगन का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बड़े मुहासे, आंखों के नीचे काले धब्बे, त्वचा की बीमारियां, खुजली, दिनाए, एक्जिमा, सोराइसिस, अल्सर जैसी भयंकर बीमारियों से जो जूझ रहे हैं उन्हें इसका इस्तेमाल करने से मनाही होती है, नहीं करना चाहिए। लिवर का अल्सर, जिसे लिवर की बीमारियां, कंस्टिपेशन की संबंधित बीमारियां अगर है, अल्सर है, उनका भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नाखूनों की बीमारियां हैं, नाखून में जख्म बन जाते हैं, नाखून गलने लगते हैं, नाखूनों में तेज दर्द होते हैं, उन्हें भी इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। बैंगन के साथ साथ और भी कुछ कंपाउंड हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जैसे दूध का इस्तेमाल बैंगन के साथ नहीं करें, दही का इस्तेमाल बैंगन के साथ नहीं करें। बैंगन खाने के साथ साथ खट्टे और तीखे व्यंजनों का प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगता है, इससे हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट बनने लगते हैं। दोस्तों आज मैंने बताया कि बैंगन खाने के फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। जिन्हें ये बीमारियां हैं उन्हें बैंगन खाने से बचना चाहिए। किसे बैंगन खानी चाहिए, किसे बैंगन नहीं खानी चाहिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार है लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।